स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? ए मुकेश महाली, बी सुरमा पाड़ी, सी नवीन पटनायक, डी मोहन चरण मांझी। आंसर बी सुरमा पाड़ी। एक्सप्लेनेशन। वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पाड़ी को गुरुवार को निर्विरोध उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार की विधायक पाड़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थी। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाड़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। अगला प्रश्न। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी नीदरलैंड। आंसर सी यूनाइटेड किंगडम। एक्सप्लेनेशन। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि यूनाइटेड किंगडम यूके मई 2024 में भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया है। पिछले साल मई में ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य था। ब्रिटेन को निर्यात मई में एक तिहाई बढ़कर 1.37 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को निर्यात पिछले महीने 3% बढ़कर 1.33 अरब डॉलर हो गया। अगला प्रश्न। किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस एसपीपी एक अंगहीन उभयचर की नई पहचान की गई? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। आंसर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य के जीव जंतुओं में एक अंगहीन उभयचर को शामिल किया गया है। असम के वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि हर्पेटोफौना विज्ञानियों की एक टीम ने बाघ अभयारण्य में तीव्र हर्पेटोफौना सर्वेक्षण के दौरान पहली बार धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस पीपी को दर्ज किया है। हर्पेटोफौना और उभयचर, जिन्हें सामूहिक रूप से हर्पेटोफौना कहा जाता है, सबसे कम अध्ययन किए गए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। सिसिलियन अंगहीन उभयचर होते हैं जो अपना अधिकांश जीवन मिट्टी के नीचे बिताते हैं। चूंकि वे एक प्राचीन प्रजाति हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति विकास और अंतर्महाद्वीपीय प्रजाति विकास से महत्वपूर्ण संबंध रखती है। अगला प्रश्न। किस पूर्वोत्तर राज्य में 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने शरण ली? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम, डी मणिपुर। आंसर डी मणिपुर। एक्सप्लेनेशन। म्यांमार में हवाई बमबारी और हमलों के डर से 5,000 से अधिक म्यांमार शरणार्थियों ने मणिपुर के कामजोम जिले में शरण ली। ये शरणार्थी पिछले वर्ष नवंबर से सीमावर्ती जिले में अस्थायी बस्तियों में रह रहे हैं। कामजोम जिला अपनी पूर्वी सीमा म्यांमार से साझा करता है और यह म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्त पलट के कारण शरणार्थियों के आमद से काफी प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न। किस देश ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है? ए अफगानिस्तान, बी तजाकिस्तान, सी पाकिस्तान, डी ईरान। आंसर बी तजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन। तजाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के हिजाब को एलियन गार्मेंट विदेशी परिधान बताते हुए इसे पहनने पर पाबंदी लगा दी है। 96% मुस्लिम आबादी वाले देश की संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली में विधेयक को औपचारिक मंजूरी दी गई है। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर 60,000 से 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, वहां घनी दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा रखा है।